महोदय धन्यवाद। देश की बढ़ती आबादी ने देश के That is why, sir, I would like to urge upon the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Finance Ministry Srimati Nirmala Sitaraman ji to revise the policy and formulate a new one which is more practical and implementable. Thank you. Thank you, Jai Hind, sir. धन्यवाद महोदय। देश की बढ़ती आबादी देश के अर्थतंत्र को कमजोर करने का बहुत बड़ा कारण रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कई उपाय भी समय समय पर सरकारों द्वारा किए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर के भी विधायी एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रयास कर रही हैं। अन्य कारणों के साथ ही साथ लड़कियों के विवाह की उम्र भी निर्धारित की गई। बाल विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित है, जो अपराध की श्रेणी में भी आता है, परंतु अभी भी कुछ विधान ऐसे हैं जिनकी व्याख्या के आधार पर बाल विवाह को भी वैधानिकता प्रदान हो जाती है। गत माह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में मुस्लिम लॉ के आधार को आधार मानकर 15 वर्षीय लड़की के विवाह को वैधानिक माना है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि जाति धर्म और परंपराओं के आधार में बाल विवाह, बहुविवाह या ज्यादा बच्चा पैदा करने की प्रचलित प्रथाओं पर रोक लगाए जाने का संवैधानिक नया विधान बनाया जाए और इस तरह के सभी विधानों के स्थान पर एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए तथा जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रोत्साहनात्मक एवं निषेधात्मक प्रावधान किए जाएं, जिससे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। साथ ही समान नागरिक संहिता बनाकर धर्म के आधार पर मौजूद धार्मिक संहिताओं को समाप्त किया जाए। सप्तगिरी शंकर जी,